वेलकम 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 दोस्तों आज का वीडियो है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें एक अद्भुत कहानी है और उसका नाम है द एवर ग्रीन स्टोरी गाइज जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली वी हैड अ शिप दैट वॉज स्टक दैट अज शिप दैट वॉज स्टक एट द सुस कनाल एंड दैट शिप्स नेम वॉज

Just check out the news guys like worldwide we had this news going on. So as you can see uh, so many news channels covered this and it was almost everywhere that you could see like all the news channels and you can see how the ship is stuck between two parts and it cannot turn and all the sailors all of them were stuck and uh, yes guys so जस्ट यू माइट बी स्टिल थिंकिंग अरे क्या कनेक्शन है इसमें सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिप स्टक था ट्वेंटी फाइव क्रू मेम्बर्स इंडियन क्रू मेम्बर्स स्टक थे और लाइक उनके पास सब कुछ है खाना है बेड है एंड uh, इंटरनेट है लाइक पानी सब कुछ सब फैसिलिटीज़ है बट वो वहाँ से टर्न नहीं कर सकते शिप तो उनको सारे जो आप ये देख सकते हैं जो कंटेनर्स वो उठा के बाहर डालने थे शिप का वेट कम करना ताकि शिप टर्न हो सके सो इंटरेस्टिंगली लाइक दे हैड टू कम अप विथ न्यू स्टफ टू डू थिंग्स लाइक टू जस्ट पास द टाइम बिकॉज दे कैनॉट इवन गो ऑफ शिप बिकॉज दे आर ऑफ श्योर सो दे आर इन इंटरनेशनल वाटर्स एंड लाइक इजिप्शियन अथॉरिटीज़ वुडेंट अलाउ देम टू गो योर टू गो आउट सो दे कांट गो टू द पोर्ट दे हैड टू लाइक जस्ट वेस्ट और स्पेंड दे टाइम So here it is uh, a very very proud moment for us that the sailors who ironically were chess.com uh, like just chess fans and they just logged down to their chess.com apps website jo they started playing chess because guys of course ship pick on leke jata chess board con leke so these sailors apparently just started to have fun and then they realized like around jubi 22nd they realized that Samay Bhai was doing a tournament and of course many of these sailors are very very young sailors and they are following chess, they are following the comedians and because of the comedians and everyone they were in, in fact even uh, watching COB All Stars and they're following Samay for a long time and they thought just like Samay maybe even we could organize a tournament. सो अप्रूवल ले लिया शिप के कैप्टन से एंड देन दे सेट ओके भाई चलो लेट्स हैव अ टोर्नामेंट लेट्स हैव द एवर ग्रीन चैम्पियनशिप या जस्ट हुए एवर इज इंटरेस्टेड सारे ऑफकोर्स सारे ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी फाइव सेलर्स तो फैन नहीं थे चेस के सो दे जस्ट केम अलॉन्ग टू हैव फन एंड दे हैड द टोर्नामेंट एंड वॉट वी हैव लाइक एक गेम है दोस्तों जो ये टॉर्नामेंट का फाइनल्स है लाइक पच्चीस में से सारे ने खेले छः सात लोग सात प्लेयर्स ने खेले एंड ये स्टोरी हमको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे विनर ऑफ द टूर्नामेंट जो कि है ए जो है लेफ्ट पे गाइस बिकॉज ऑफ लीगल रीजन्स उनको लाइक uh, डायरेक्ट like, हम उनका यूजर ने name, पूरा नेम्स या यूज़र नेम भी नहीं दिखा सकते उनका रियल uh, नेम भी पब्लिश नहीं कर सकते सो गाइस फाइनल्स था एए और जेडी के बीच में जो वो खेल रहे थे चेस डॉट कॉम के ऐप से एंड एज इट टर्न्स आउट ए जो थे वो टॉर्नामेंट जीत गए जो फाइनल गेम अभी दिखाए सो so, एक uh, बहुत ही एक uh, छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आपको ये uh, ऐसा ये आई आइडिया अच्छा लगे फील फ्री फील फ्री टू रीच आउट टू मी फील फ्री टू रीच आउट टू निरंजन चेस डॉट कॉम सोशल मीडिया इंडिया सोशल मीडिया कहीं पर भी सो so जस्ट आपके अगर आपने कोई बेहतरीन गेम खेला है या आपने कुछ भी खेला है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में जस्ट सेंड इट टू अस ऑन सोशल मीडिया और जस्ट सेंड इट टू मी ऑन चेस डॉट कॉम मैसेजेस इज़ वेल बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गेम एंड ऐसे गेम देख के बहुत ही मज़ा आ गया लाइक हमने इसीलिए हमारे तरफ से सारे मेंबर्स जो थे शिप पे उनको हमने डायमंड uh, मेंबरशिप्स भी दिए हैं बिकॉज जस्ट टू तो हेल्प देयर सपोर्ट लकीली द शिप इज़ आउट इट्स फ्रीड एज ऑफ लाइक दिस वीक बट तभी तक उनको जो हार्डशिप सहन करना पड़ा जस्ट अ स्मॉल थैंक यू फ्रॉम आयर साइड सो इवन इफ यू हैव सम गेम्स लेट मी नो इन द कॉमेंट्स और सेंड अस दोज गेम्स एंड इट वॉज सुपर फन बिकॉज यू नो आई डेंट रियली एक्सपेक्ट कि अरे ए वर्सेज जे डी जो है लाइक like, एक सिंपल मैच कितना ही बेहतरीन खेल सकते हैं बट अपेरेंटली दे वर फॉलोइंग ऑल द वीडियोज़ ऑफ अगैड मीटर दे वर फॉलोइंग ऑल द वीडियोज़ ऑफ समय दे आर वॉचिंग देर प्रैक्टिसिंग चैस नॉर्मली इट्स सेल्फ एंड दे हैड एग्जिस्टिंग अकाउंट ऐसा नहीं है कि उन्होंने नया अकाउंट बनाना पड़ा दे हैड दे हैव प्लेड प्लेंटी ऑफ गेम्स एंड गाइस चेस बोर्ड नहीं था तो क्या कर सकते यही तो एक ऑप्शन था उनके पास कि चेस खेलने का सो रियली हैप्पी टू कॉन्ट्रीब्यूट इन हर छोटा सा वे बट अभी विदाउट फर्दर अडू लेट्स चेकआउट द गेम एंड इफ यू लाइक द गेम डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जम्प इन टू द गेम गाइज सो दिस इज लाइक आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन या एग्जैक्ट सिचुएशन तो मुझे ए ए ने भेजा नहीं कि लाइक ए ए हैड सेंड दिस टू मी ऑन माई चेयर्स डॉट कॉम मैसेज सो ही जस्ट टोल्ड मी अफ द फ्यू थिंग्स एंड ऑफ कोर्स लाइक आई कुडेंट लाइक आई कॉन्ट जस्ट बिलीव एनी वन तो उसने थोड़े बहुत प्रूफ भेजे कि वो एवरग्रीन शिप एंड जैसे इजिप्शियन अथॉरिटीज़ ने आके फ्री किया उनको सो लाइक वेल डन फर्स्टली रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू मर्चेंट नेवी पीपल एंड क्रू पीपल एंड बिग बिग रिस्पेक्ट एंड लेट्स लेट्स जस्ट जम्प इन टू सी हाउ ए ए ए वन दिस गेम अगेंस्ट जे डी इन द फाइनल्स ऑफ द एवरग्रीन टूर्नामेंट एंड इसके लिए हम बोल रहे हैं ये है एवर ग्रीन स्टोरी सो ए ए ने शारू चालू किया आप ई फोर से सो ई फोर ई फाइव नाइट एस थ्री नाइट सी सिक्स फेयरली सिंपल बिशप सी फोर बिशप सी फाइव एंड बींग एन अकेडमी डर फैन वो खेले बी फोर जो है इवेंट्स गैम बेट सो जे डी ने पॉन कैप्चर किया सी थ्री बिशप ए फाइव पॉन डू डी फोर अनदर वेरी एक्साइटिंग एंड एंटरप्राइजिंग ओपनिंग है ये कि मैं मैं पोन देना चाहता हूँ ताकि uh, मुझे ओपन लाइंस मिलें टेक्स एंड ऑफ कोर्स आप नहीं ले सकते क्योंकि पोन पिंड है सो so, ए ने किया कैसलिंग पॉन टू डी थ्री एंड यू कैन सी वाइट इज जस्ट बेटर डेवलप्ड बहुत सारे पीसेस बाहर हैं बहुत सारे पीसेस जल्दी बाहर आ सकते हैं but white uh, is definitely doing well here queen b3 queen f6 pawn to e5 uh, queen to g6 rook to even fairly uh, decent game abhi tak and abhi iske baad chalu hota hai ki jo important fun hai game ka so knight e7 bishop to a3 और I think guys लोग मतलब जो principles हमें दिया गया हमें कहा गया कि please new piece लाइक न्यू मूव न्यू पीस प्लीज़ फॉलो कीजिए लाइक नए मूव पे नए पीस को लाने की बहुत आवश्यकता है सो ही हैड टू प्ले कासल ब्रिंगिंग द न्यू पीस बट ही प्लेड बी फाइव लाइक भाई डेवलपमेंट कर लो पहले जे डी भाई बट ए ए जस्ट टेक्स इट क्वीन अटैक्ट क्वीन सेव्ड योर विशिप टू बी सिक्स And now look at White. White is following all the principles. New move, new piece. He he wants to use, uh, make use of this thing. But again, White is uh, won't hold such a big advantage if just Black castles. So Bishop b7 knight e abhi castle karlo. But nahi. He makes another move. And now I think after this it's pretty much game over. But I don't know like. हाउ लाइक ए ए की रेटिंग कितनी है लाइक कितना चेस फॉलो कर रहे बट अ ब्यूटिफुल फिनिश फॉलोज सो वी शूड मिन डू डी थ्री अटैकिंग द क्वीन सो आई यू कैनॉट कासल आई एम थ्रेटनिंग बोथ दीज डिस्कवर्ड चेक्स क्वीन एच फाइव एंड नाउ भाई मतलब जे डी भाई खे की वाट लग गई यहाँ पे बिकॉज ए ए भाई गेम अप विद अ वेरी वेरी अमेजिंग आइडिया एंड तबाह कर दिया उन्होंने ब्लैक को विथ नाइट एफ सिक्स चेक टेक्स दिस फोर्स बिकॉज क्वीन इज अटैक्ट टेक्स टेक्स एंड अभी आइडिया है कि मैं ये भी मारूंगा मैं बिशप से भी मार सकता हूँ रुक से भी मार सकता हूँ बहुत ही दिक्कत वाली पोजिशन है ब्लैक को एंड रुक जी एड के बाद एक ब्यूटिफुल आइडिया सेटअप किया आ, ए, ए ने उन्होंने मतलब ऑफकोर्स देखा कि ये मर रहा है बट उन्होंने एक ट्रैप सेटअप किया हल्का सा रुक रुके डीवन से एंड जे डी भाई को लगा कि भाई क्या चल रहा है और उन्होंने वो गिर गए ट्रैप नसीब से शिप से नहीं गिरे बट ट्रैप में गिर गए क्वीन अफ्तरी के बाद और इसी के साथ गाइज ट्राई करिए अगर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है तो बिकॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गेम ओनली वन मूव विन्स फॉर वाइट एंड यू हैव टू प्ले दैट मूव एंड इट्स जस्ट टैक्टिक्स सो इट्स सी सी टी चेक्स कैप्चर्स थ्रेट्स सो आई एम श्योर अगर आपने पॉज किया होगा आपको और सोचा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा वो है बैम रुकी सेवन चेक ब्रिलियंट मूव ऑफकोर्स अगर आप किंग कहीं भी जगह तो एक डिस्कवरी अटैक और डिस्कवरी चेक भी है मेरे पास जे uh, डी भाई को समझाने की क्या चल रहा है उन्होंने तो खा लिया फ्री में एंड uh, इसके बाद आता है गाइज द मूव ऑफ़ द टूर्नामेंट द मूव ऑफ़ द एवरग्रीन शिप चैम्पियनशिप जो भी बोलो आप लाइक मूव ऑफ़ ट्वेंटी ट्वेंटी वन भी अभी तक बहुत ही सुंदर मूव uh, क्या आपने देखा क्या आंसर uh, हो सकता है इसका सो so, ए ए भाई ने खेला क्वीन इंट्रोड्यूस सेवन चेक एंड ऑफकोर्स अगर आप किंग यहाँ पे जाओगे तो क्वीनी सेवन इज चेक मेट एंड जे डी भाई ने टेका एंड नाव द कंसेप्ट ऑफ सी सी टी इंटू टू मतलब चेक कैप्चर थ्रेड्स का इंटू टू कर दिया वाइट ने एंड वाइट ने खेला बिशप एफ फाइव चेक जो है डे डबल चेक सो यहाँ से भी चेक है यहाँ से भी चेक है अगर किंग सी सिक्स खेलोगे तो बिशप डी सेवन इज चेक मेट इन वन एंड नाइट से नाइट ये नहीं मार सकते बिकॉज गाइज डबल चेक में आपको हमेशा किंग मूव करना पड़ेगा एंड किंग मूव करने के बाद मेड इन टू गाइज बहुत ही आसान है मैं भरोसा कर रखता हूँ कि आपको तो पता ही होगा ये बिशप डी सेवन चेक किंग टू एफेट एंड बिशप ई सेवन चेक मेड ब्यूटिफुल मतलब ए ए भाई रिस्पेक्ट और थैंक यू लाइक मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने गेम भेजा आपका सो गाइज इफ यू हैव सम्यूटिफुल गेम ऑफ योर सेंड इट टू अस लाइक ऑन एनी वेयर इट्स इट्स एके एंड वी विल ट्राई टू कवर इट फॉर यू एंड इफ यू लाइक दिस गेम एंड एस्पेशली दिस दिस अमेजिंग स्टोरी मतलब ये किसने सोचा था कि ऐसे एक शिप सुएस कैनल में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अगर अटक जाएगी उसके बाद एक चेस टूर्नामेंट होगा इंडियन सेलर्स के बीच में और उसके बाद हमको एक ऐसा ब्यूटिफुल चेस गेम मिलेगा like this is 2021 guys so do uh like the stream like the uh, video if you have liked if you like the game in how uh a beat j.d और आपके वीडियोस आपके गेम्स आ, आने दीजिए और मैं और वीडियोस बनाऊंगा ऐसे ही सुंदर सुंदर गेम्स पे ऐसे नॉर्मल गेम मत भेजिए कुछ तो एक हैरत तंगे संगज रोंगटे खड़े करने वाले गेम्स भेजिए एंड मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपके गेम्स कवर करने के लिए सो डू कॉमेंट इफ़ यू थिंक दैट दिस वॉज एक्चुअली नोन एज द एवर ग्रीन गेम बिकॉज एवरग्रीन शिप पे हुआ यादगार गेम हुआ सो ये तो आई थिंक डेफिनेटली एवरग्रीन एवर ग्रीन गेम हो सकता है एंड अगर आपको मतलब कोई भी शक है ये सारे सिचुएशन या गिर बेफिक्र होकर आप गूगल कर सकते हैं सारे स्टोरीज लिंक में भी डाल देंगे थोड़े लिंक्स ऑफ दिस शिप बिंग स्टक एंड वंस अगेन kudos and thank you to the indian sailors who sent us this game who played chess but the beautiful story and thank you all so much for watching and i'll see you in the next video till then like share and subscribe